बीजेपी के रुकने असेंबली गोशा महल ने आज उबरी स्पीकर मजलिसी रुकने असेंबली मुमताज अहमद खान के सामने शपथ ग्रहण करने से इनकार करते हुए केसीआर पर तनकीद की। आइए देखते हैं राजा सिंह ने क्या कुछ कहा। तो नाजरीन देखते रहिए ASJ न्यूज। रिपोर्टर राहुल सिंह के साथ चीफ एडिटर मोहम्मद जावेद की ये रिपोर्ट। भारत माता की जय। तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब ने जो निजाम फॉलोअर है, जो MIM फॉलोअर है, उन्होंने कल रात को, समझ गए ना, रात को एक डिसीजन लिया कि 3 दिन के लिए जो स्पीकर बनेगा वो MIM का विधायक बनेगा और इसी MIM विधायक के सामने सारे के सारे MLA शपथ लेना है। ये डिसीजन तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी ने लिया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये राजा सिंह तेलंगाना विधानसभा में जाएगा नहीं और उनके सामने शपथ लेगा नहीं, ये मैं कह रहा हूं। भले ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी के विधायक जाके शपथ लेते होंगे, मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं राजा सिंह उस पार्टी के विधायक के सामने शपथ नहीं लूंगा जो हिंदुओं को खत्म करने की बात करते हैं। उस पार्टी के विधायक के सामने मैं शपथ नहीं लूंगा जो भारत देश में युद्ध करने की बात करते, वंदे मातरम नहीं गाते, भारत मां की जय नहीं बोलते। ऐसे विधायक, ऐसी गंदी पार्टी के विधायक के सामने मैं शपथ नहीं लूंगा। 16 तारीख के दिन उस विधायक को गवर्नर के सामने शपथ दिलाएंगे, स्पीकर बनाएंगे। 17 तारीख के दिन तेलंगाना विधानसभा में MIM पार्टी के विधायक स्पीकर बनाकर सभी MLA को शपथ दिलाएंगे, ऐसा मुख्यमंत्री का निर्णय है। ठीक है, आपका निर्णय आप करिए, मेरा जो निर्णय है मैं असेंबली नहीं होऊंगा और शपथ भी नहीं लूंगा। लीगली है जो हमारे अधिकारियों से बात करके आगे फर्दर क्या करना है हम विचार करेंगे, लेकिन तेलंगाना मुख्यमंत्री से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो डिसीजन लिया है अगर इसमें परिवर्तन करते हैं तो तेलंगाना में एक अच्छा मैसेज जाएगा और आपने उस पार्टी को सपोर्ट किया है जो कभी तेलंगाना का विकास नहीं चाहिए। ये वो पार्टी के लोग हैं, जब तेलंगाना आंध्र अलग हो रहा था तो ये लोग किसके समर्थन में थे? मुख्यमंत्री जी, आप वो चीज को याद करने की आवश्यकता है और अगर आपका निर्णय बदल देते हैं तो ठीक रहेगा। धन्यवाद।